देखिए फ्रेंड्स, सबका सुनिता किचन में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पूड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। तो ये देखिए मैं चना के दाल ले रखी हूँ आधा किलो, ये आधा किलो के लगभग है। तो इसे सबसे पहले मैं साफ कर लूँगी, धो लूँगी कम से कम 3-4 पानी से। उसके बाद आपको आगे बताती हूँ वीडियो को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे साफ कर लिए हैं, धो लिए हैं, तब इसे कुकर में डालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कुकर में डाल दे रही हूँ दाल को जो धोए थे। तब इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कटोरी पानी डाल दी हूँ, आपको दिखा नहीं पाई। इसमें जो खड़ा गोटा गरम मसाला है, तो तेज़पत्ता 3 से 4 डाल दी हूँ। ये देखिए खड़ा गोटा गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। इसमें दालचीनी है, लौंग है, और इसमें बड़ा इलायची है, छोटा इलायची है। सारे देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, सारे को मैं डाल दी हूँ। इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। तो ये देखिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा हल्दी डाल दे रहे हैं कड़ा लाने के तक। बस हो गया ये हल्दी। अब इसे सीटी लगा, ढक्कन लगा के सीटी लगा देंगे इसका। 2 विसिल लगाएंगे क्योंकि इसे गलाना नहीं है, दाल पूड़ी बना रहे हैं चने के दाल के। तो इसका देखिए ढक्कन लगा के सीटी लगा देंगे 2 विसिल आने तक। देखिए फ्रेंड्स, दाल सीज गया है, उबल गया है। अब इसका पानी जो है जो इसका निकाल लेंगे, छान लेंगे। तो इसी से मैं आटा गूंथूंगी पानी का छान कर। तो अभी छान कर मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आटा ले रखी हूँ, 1.5 किलो होगा गेहूँ के आटा। तो इसमें मैं जीरा डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि नमक सही से डालेंगे, दाल में भी डाले थे। तो ये देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे मोम के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक कटोरी में तेल डाल ले रही हूँ, रिफाइंड तेल है। तो इसमें मोम के लिए मैं डाल दे रही हूँ। तो इसे मिक्स करेंगे। तो इसका जो दाल का पानी निकला था उससे मैं आटा गूंथूंगी। सबसे पहले इसे मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दाल का पानी जो था वो बच गया, छान के रखे थे। तो इसी से मैं आटा गूंथेंगे। इसमें दाल के पानी में प्रोटीन रहता है, तो इसी से मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा गीला, एकदम मुलायम रहेगा आटा ये। तो इसे मैं पूरे गूंथ लेंगे इसी तरह से सारे पानी से। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई मैं गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाती हूँ गर्म होने के लिए। इसमें तेल डालेंगे। तो ये देखिए तेल डाल रहे हैं वो फ्राई करने के लिए। तेल को गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए प्याज काट लिए हैं 2, कच्चा मिर्ची, अदरक है, इसे डाल के फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया, जीरा को फ़ौरन डाल दे रहे हैं, इसे चटकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जीरा चटक गया, इसमें अब डाल दे रहे हैं अदरक को। अब कच्चा मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ये रोस्ट हो जाए, उसके बाद कच्चा मिर्ची डालेंगे। तो ये देखिए कच्चा मिर्ची भी डाल दिए, इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तो प्याज डाल दे रहे हैं, इसे लाल होने तक के भुनेंगे, सुनहरा कलर इसे आने देंगे। इसे जलाएंगे भी नहीं, हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए सॉफ्टनेस इसका। उसके बाद इसमें जो दाल उबाल कर रखे थे इसमें डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाल हो गया प्याज। तो इसमें दाल जो उबाल कर रखे थे उसे डाल दे रहे हैं, फ्राई करके बना रहे हैं। अगर आपको नहीं फ्राई करने का मन हो तो मैं करिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। ऐसे फ्राई कर देने से टेस्टी बन जाता है। ऐसे चला लेंगे, भून लेंगे 2 से 3 मिनट। फ्राई कर देने से टेस्टी बनता है। ये बिहारी स्टाइल में बना रहे हैं, जैसे गांव में बनता है उसी तरह से चने की दाल की पूड़ी। तो इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट। फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया, कढ़ाई चढ़ा दिए थे, अब इसमें डाल दे रहे हैं धीरे धीरे करके, एकगो करके डालेंगे। डाल दिए हैं, तो इसे 1 से 2 मिनट होने देते हैं, उसके बाद पलटेंगे इसे। मैं लक्कड़ गोईठे पे बना रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पलट दे रहे हैं। तो इसे पलट दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये खिल गया है, ऐसे पलट लेंगे। अब दूसरे डालेंगे, इसी तरह से सारे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है, इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह सारे बना लेंगे।